हेलो हम एस सी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज के वीडियो लेक्चर पर हमने क्या चीज डिस्कस करनी है तो देखिए हमारी यूनिट चल रही थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है जिसके हम लोग आज सेवंथ लेक्चर पर पहुंचे और आज के सेवंथ लेक्चर पर जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आपका टेनाबे सुगेनो डायग्राम ओके तो देखो टेनाबे सुगेनो डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जस्ट पहले तो सॉरी बोलना चाहती हूँ वो इसलिए क्योंकि देखिये मैं आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो स्किप कर जा रही हूँ पर वो

कौन से टॉपिक स्किप हो गए मैं आपको तुरंत उस पर जितना टाइम होगा तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी ओके तो इसमें भी हमारे इस यूनिट के अंदर भी हमारे चार पांच टॉपिक अप्रोक्स छूटे हुए हैं तो उनको भी मैं जल्दी से जल्दी आपको क्लियर करा दूंगी ओके तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर पे जिस पर हमने बात करनी है टेनाबे सुगेनो डायग्राम पे ओके तो बहुत इजी है आपको जो समझना है बहुत बेसिक है जैसे आपने ऑर्गन डायग्राम बनाया था सेम आपने वैसे ही टेनाबे सुगेनो डायग्राम्स ड्रॉ करना है ओके अब होता क्या बस पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए ओके तो हुआ क्या जैसा आप इतना सुनिएगा टेनाबे सुगेनो डायग्राम है क्या ओके तो ये बोल रहा है देखो ये बोल रहा है टेनाबे सुगेनो डायग्राम आज यूज इन एन एर्डिनेट केमिस्ट्री टू प्रिडिक्ट दब्सॉर्ब इन यूवी विजबल एंड आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड ओके तो जो काम हमारा जैसा ऑर्गल डायग्राम में भी हम यही करते थे हम क्या कराते थे अपने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में, में रेडिएशन देते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि किस रेंज में एग्जिस्ट करती है यूवी विजुअल एंड आईआर और उसमें क्या होता है अगर आपने क्या दिया देखो ना जस्ट मैं इतना बताती हूँ अगर आप अपना ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कौन से कॉम्प्लेक्स आएंगे आइदर ऑक्टाहेड्रल और ओके और उनकी अगर मैं पर्टिकुलरली अगर ऑक्टाहेड्रल की रिस्पेक्ट में बात करूं तो आपको पता है और ये शेल इनिशियली क्या है आइसोलेट है ओके अब जैसे ही मैं इस डी में कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाना चाहूंगी यानी कि जैसे ही इसमें लिग का अप्रोच कराना चाहूंगी तो होगा क्या मेरा ये शेल स्प्लिट कर जाएगा दो पार्ट पे ओके और ये स्प्लिटिंग को क्या बोलूंगी ऊपर वाले सेट को मैं बोलूंगी

में पहुंचाना चाह रहे हैं तो आपको उसकी एनर्जी में चेंज लाना होगा क्युं? एनर्जी, तो एनर्जी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो रेडिएशन डालेंगे जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन की जो पहले इनिशियली ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था क्योंकि उसके पास जो एनर्जी थी वो काफी कम थी अब उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाएगा और कितना इंक्रीमेंट होगा जितना यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस होता है जिसे मैं डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं ओके तो आपने क्या कर दिया अगर डेल्टा अमाउंट की एनर्जी अपने इलेक्ट्रॉन को दिया तो आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाएगी और आपका इलेक्ट्रॉन क्या ग्राउंड लेवल को छोड़ क्या एक्साइटेड लेवल पर शिफ्ट हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होता है हमें एक स्पेक्ट्रा देखने को इस टाइप के ट्रांजिशन की वजह से हमें एक स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है जिसमें हमारे जितने नंबर के ट्रांजिशन होते हैं उतने नंबर की पीक हमको देखने को मिलती है ओके और इसी स्पेक्ट्रा को इसी पीक को इसी ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग अलग अलग टाइप के कोरिलेशन डायग्राम का करते हैं पहले हमने ऑर्गल डायग्राम का यूज किया था अब हम लोग तेनाबे सुगेनो डायग्राम का यूज करने वाले ओके अब देखो अब मगर मैं आपको थ्योरी के रिस्पेक्ट में बताते हुए चलूं तो आप जस्ट यहां पर सुनेगा ये बोल रहा है तनाबे सुगेनो डायग्राम आर यूज इन कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री आप इसको कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं क्यों करते हैं टू तो प्रिडिक्ट एब्जॉर्प्शन आपको एब्जॉर्प्शन प्रिडिक्ट करने के लिए कि कहां पर कितनी रेंज में आपका एब्जॉर्प्शन हुआ आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूवी रेडिएशन विजुअल रेडिएशन आई आर रेडिएशन का जनरली हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इन स्पेक्ट्रम ऑफ ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड ओके अब ये बोल रहे हैं तनाबे सुगेनो डायग्राम का अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर जाएं तो हम को देखा जाता है कि 1954 का टाइम था जब आपके दो केमिस्ट एक थे वाई मतलब सॉरी वाइट टेनाबे इनका फुल फुल नेम होगा वाइट टेनाबे और दूसरे थे आपके एस सुनैगो ओके सुगैनो ओके? तो करके एक नया कॉन्सेप्ट दिया था जो इनके नाम पर बेस्ड है इन्होंने एक नया कोरिलेशन डायग्राम को एक्सप्लेन किया था जिन्हें इन्होंने टर्म दिया टेनाबे सुगेनो डायग्राम ओके जो की कि किस पे बेस्ड था बेस्ड ऑन द एब्सॉर्न स्पेक्ट्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स है जो मैंने अभी आपको बताया और इस स्पेक्ट्रा से इस कोरिलेशन डायग्राम से आपको क्या एक्सप्लेन होता

Yeah. ज ए फंक्शन ऑफ रेके पैरामीटर बी देखो आपको यहाँ पर को जो प्लॉट बनाना होता है जो आप एनर्जी डायग्राम बनाएंगे सॉरी जो आप कोरिलेशन डायग्राम बनाएंगे वो किसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं आपको यहाँ पर रेके पैरामीटर लेना होता है जिसे आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं बी होता है आपका ओके okay? अभी रेके पैरामीटर पर भी हम थोड़ा डिस्कशन आगे लेंगे अभी जस्ट आप इतना सुनिए कि आप जिस डेफिनेशन के फॉर्म में आप क्या बताएंगे तेनाबे सुगैनो डायग्राम क्या होता है तो आप जस्ट इतना बोलिएगा कि तेनाबे सुगेनो डायग्राम क्या एक प्लॉट है एक टाइप का कोरिलेशन डायग्राम है 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 ऑर्बिटल एनर्जी 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 का जो कि energy, energy versus, versus किसके किसके रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट पर बनाया बनाया जाता जाता ये देखो और पैरामीटर के में में वर्सेस वर्सेस इसे साथ लेते हैं डेल्टा डेल्टा ओ देल्टा ओ आपकी क्या है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो भी किसके लिए? ओ लिखा है E क्या है E होता है आपका एनर्जी टर्म यानी कि E आपको क्या दिखा रहा है E मीन्स होता है आपका एनर्जी टर्म ओके ये होता है आपका एनर्जी टर्म और B मीन्स क्या होता है B होता है आपके रह के पैरामीटर और यहाँ डेल्टा ओ आपका क्या होता है डेल्टा ओ होता है आपका एनर्जी डिफरेंस या फिर आप बोल सकते हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट एक आपकी ग्राउंड स्टेट होती है आपने सीएफटी में पढ़ा है ना एक ग्राउंड स्टेट होती है एक एक्साइटेड स्टेट होती है अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलते हैं उसे आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर ये डिफरेंस आप पर्टिकुलरली ऑक्टाहाडर कंपाउंड के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आप इसे डेल्टा ओ बोलते हैं ओके तो यहाँ पर डेल्टा ओ क्या है आप इसे बोल सकते हैं अगर सिंपल टर्म में अगर मैं इसे बताऊं अगर आप इसको ऐसा ना बोलना चाहते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का डिफरेंस है तो आप इसे इतना बोल सकते हैं ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस है जो कि हम पर्टिकुलरली ऑक्ट्रहाइडर कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और अगेन यहाँ पर को बी मतलब हो गया आपका रैके पैरामीटर तो यहाँ पे जो आपका प्लॉट बनता है आपका टेनाबे सुगेनो डायग्राम में जो आपका प्लॉट बनता है वो इन दोनों के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है ओके okay? और ये बहुत ईजी अब आपको क्या करना है कुछ पॉइंट आपको मैं डिस्कस करा रही हूँ कि ये जो रैके सॉरी ये जो आपका टेनाबे सुगेनो डायग्राम है ये कैसे ऑर्गर डायग्राम के कंपेयर में अलग है दोनों आपके कोरुलशन डायग्राम है दोनों आपको सेम

एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लिगिन स्प्लिटिंग पैरामीटर या फिर आप इसे क्रिस्टल फील्ड भी बोल सकते हैं फील्ड भी बोल सकते हैं ठीक है कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि लिगिन है क्रिस्टली बोलना है तो यहां पर आप जो डेल्टा जो है डेल्टा आपको लिगिन फील्ड इस, स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में भी बता रहा है या फिर आप उसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम तो पर्टिकुलरली मतलब दो एनर्जी लेवल्स का बीच में डिफरेंस है इसे आप छोड़िए आपने इसे डेल्टा बोल दिया वो ठीक है और इसको आपने किससे डिवाइड करना है रेके पैरामीटर बी से डिवाइड करना है ओके अब हुआ क्या अब ये बोल रहा है कि आपने वही चीज बोला है कि आपने एक्स एक्सिस अगर आप टेनाबे सुगेनो डायग्राम बना रहे हैं तो आपको एक्स एक्स एक्सिस पे क्या लेना है डेल्टा डेल्टा ओ और डिवाइडेड बाय बी यानी कि रैक पैरामीटर एक्स एक्सिस क्या है ये है आपकी एक्स एक्सिस तो देख लीजिए आपने यहाँ पर को डेल्टा डिवाइडेड बाय बी लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे आपने क्या लेना है वाई एक्सिस पर जो आप चीज लेते हैं वो होता है आपका पहला होता है एनर्जी टर्म आपने ई लिया ई मींस होता है आपका एनर्जी टर्म इसको आपने डिवाइड कर रखा है बी से बी यानी कि के पैरामीटर ओके तो ये आपको जस्ट उसका स्ट्रक्चर बता रहा है इसका डायग्राम बता रहा है कि कोरिलेशन डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करते हैं तो आपको जिस पहले इतनी चीज क्लियर आई सुगेनो डायग्राम आप क्यों यूज कर रहे हैं और टेनाबे सुगेनो डायग्राम की हिस्ट्री कौन है मतलब हिस्ट्री क्या है कौन इसका कॉन्सेप्ट लाया और क्यों लाया आपको क्या है अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को डिस्कस करना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को प्रिडिक्ष करना है आप उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं स्टडी करना चाहते हैं तो आपको टेनाबे सुगेनो डायग्राम का यूज कर लेना चाहिए ओके अब डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी कि टेनाब सुनो डायग्राम क्या होता है ये एक टाइप का ऑर्बिटल एनर्जी प्लॉट है जो कि किसका फंक्शन है ना? आपके रैके पैरामीटर और आपका किसका एनर्जी और दूसरे साइड आपका क्या आएगा एक्स एक्सिस में तो आपका रहेगा डेल्टा यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन इनबल कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय बी यानी कि रैकी पैरामीटर और वाई एक्सिस पर आपका क्या होगा एनर्जी टर्म डिवाइडेड बाय रैकी पैरामीटर ओके तो अभी जस्ट इतनी चीज समझिए ओके अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे रैकी पैरा सॉरी ये आपका जो टेनाबे सुगेनो डायग्राम का कॉन्सेप्ट है ये कैसे आपके ऑर्गे एनर्जी डायग्राम से डिफर है ओके तो यहाँ जो सुनिए ये बोल रहा है दिस डायग्राम इज यूज इन कोरिलेशन केमिस्ट्री टू प्रिडिक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी वी विजुअल एन आई आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन ए कॉर्डिनेट कंपाउंड ये तो वही पॉइंट हो गया जो हमने आगे डिस्कस किया था बट यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है दिस डायग्राम इज यूज फॉर द बोथ हाई स्पिन एज वेल एज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो हमने क्या बात की थी अगर हम ऑक्ट्रा एडवर्ड कॉम्प्लेक्स सॉरी सो सॉरी अगर हम लोग क्या है ऑर्गल डायग्राम की बात करते हैं तो आपको पता है ऑर्गल डायग्राम में हमको ऐसे ऐसे कॉर्डिनेट कॉर्डिनेट कंपाउंड ऐसे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स देने होते हैं जहां पर आपका वीक लिगेंड अटैच हो तो हमने ऑर्गल डायग्राम में ये चीज

के लिए डायग्राम और स्ट्रॉन्ग लिगिन के लिए टेनाबिस क्या कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता चाहे आपका वीक लिगेंट हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंट हो आप दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए टेनाबिस सुगेनो डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है तो एक ही इसका एडवांटेज बन जाता है डायग्राम का कि आप किसी भी टाइप के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रा को कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं अगर आपको डायग्राम बनाना आता है लेकिन ऑर्गे डायग्राम के केस में आपको ये कंडीशन अपने माइंड पर रखनी होती है कि अगर आपका वीक लिगेंट है तभी आप ऑर्गर डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं अपने स्पेक्ट्रा को ऑर्बिटल एनर्जी स्पेक्ट्रा को क्या स्टडी कर सकते हैं अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंट है तो नहीं कर सकते ओके तो ये इसका एडवांटेज भी बन जाता है ओके अगला क्या

अगर कोई भी ट्रांजिशन है जैसे मैं डीवन की बात करूँ ठीक है अभी आप ध्यान रखिएगा जैसे मैंने बोला कि मेरा जो कॉन्फ्रोगेशन है वो डीवन है तो डीवन कॉन्फ्रोगेशन के लिए अगर मैं ग्राउंड स्टेट टर्म निकालूंगी तो मुझे मालूम है ये मैंने प्रिडिक्ट कर रखा मतलब ये मैंने निकाल रखा है अभी आपने निकाला नहीं बट मैंने निकाल के अगर मैं आपको बताऊँ की डीवन कॉन्फ्रुगेशन कोई भी ट्रांजिशन मेटर कॉम्प्लेक्स है और उसका कॉन्फ्रोगेशन डीवन है तो इस डीवन कॉन्फ्रोगेशन वाले ट्रांजिशन मेटर कॉम्प्लेक्स के लिए अगर आप ग्राउंड स्टेट टर्म निकालेंगे तो टू मिलेगी ओके तो हम क्या बोलते थे इस टू को अगर हम ऑर्गल डायग्राम बना थे तो हम कुछ ऐसा बनाते थे टू डी को ऐसे सेंटर पे लेते थे यहां पर ग्राउंड स्टेट उसके बाद इसमें स्प्लिटिंग दिखाते थे आपको पता है 2D कैसे स्प्लिट करता है ये स्प्लिट करता है 2eg में और ऐसे स्प्लिट करता है ये होता है आपका टी टू में क्लियर आई और ये ऐसी आपकी स्प्लिटिंग होती थी जब आप ऑर्गन डायग्राम की बात करते थे और आप बोलते थे कि यहाँ पर आपका जस्ट एक ट्रांजिशन हुआ है ओके लेकिन अगर आप टेनाबे सुगैनो डायग्राम बनाएंगे तो इस केस में आप क्या करेंगे इस केस में आपने क्या करना है जैसे आपका टू है मैंने भी यहाँ पर टू लिखा बट ये टू की जो स्प्लिटिंग हुई किस किस में हुई टी और इजी में तो ये मेरा टी रहा और ये मेरा इजी रहा तो हमने क्या करना होता है जो हमारा ये होता है ना ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म है मेरी क्या निकली थी टू निकली थी ग्राउंड स्टेट टर्म यहां भी हमारी टू निकली तो हमने ऑर्गर डायग्राम में टू को क्या है? ऐसे सेंटर पे प्लेस किया था ओके लेकिन जब भी हम टेनावेनो डायग्राम बनाते हैं तो हमारा जो ग्राउंड स्टेट टर्म होता है इसे हम लोग क्या एक रेफरेंस की तरह लेते हैं एक रेफरेंस की तरह हमने यहाँ पर को इसको लिया हुआ है तो आप जस्ट देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पर सेंटर पे ड्रॉ नहीं किया ये मैं चाहती तो इसके सेंटर पे ड्रॉ कर सकती थी नहीं हमने क्या है इसको जीरो पॉइंट पे लेना होता है

अगर हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है 4f आ रहा है तो हम इसके साथ क्या है 4p का भी यूज करते हैं तो हम ऑर्बिटल डायग्राम में इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट को मैं बोलती 4f और इससे ऊपर वाले पॉइंट को मैं बोलती 4p ओके okay? अब 4f कैसे स्प्लिट करता है आपको पता है 4f में तीन स्प्लिटिंग होती है कुछ स्टेप से इसे मैं बोलती हूं a2g हाँ इसे a2g ये होता है आपका t2g और ये होता है G, और इप, फोर पी, पी, तो पी स्प्लिट करता है आपका वन जी में तो ये कुछ ऐसी जब भी हम ऑर्गर डायग्राम की बात करते हैं लेकिन अगर हम टेनाबो सुगेनो डायग्राम की बात करते हैं तो स्प्लिटिंग हम कुछ ऐसे नहीं कराएंगे हम क्या कराएंगे देखो ग्राउंड स्टेट मेरी फोर एफ आई तो मैं और हाँ करूंगी, as a reference की तरह करूंगी, तो मैंने 4 एप को यहाँ पर रखा ये फोर पी प्लेस कर दू उससे मैटर नहीं बट मेरा ग्राउंड स्टेट टर्म जो है एट अ जीरो पॉइंट पर लेना है ओके okay? उसके बाद मैं स्प्लिटिंग दिखाऊंगी की फोर एफ को मैंने क्या तीन में ऐसे स्प्लिट किया फिर फोर पी भी मेरा ऐसे स्प्लिट हो गया ओके okay? अब यहाँ पर आपको पता है क्रॉसिंग मतलब यहाँ पर क्रॉस नहीं होगा नो क्रॉसिंग रूल वाला लगता है यहाँ पर को ना नो no तो यहां पर को क्या है नो क्रॉसिंग रूल लगेगा तो वो चीज मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगी अभी जैसा आप प्लॉट समझो कि आपने प्लॉट बनाना कैसे है ठीक है तो ये पॉइंट आपको यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने क्या ग्राउंड स्टेट टर्म को एज अ अस्टेंट रिफरेंस लेना है और इसके लिए जितनी भी आपकी एनर्जी टर्म आएगी जितनी भी आप स्प्लिटिंग कराते हैं वो आपके इसी पॉइंट से ग्राउंड स्टेट टर्म से होगा जैसे आप ऑर्गे डायग्राम में फिर कराते हैं इतनी चीज क्लियर आई तो ये जैसा आपको बस थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने माइंड पर रखना है टिनाबे सुगेनो डायग्राम के रिस्पेक्ट में इतनी चीज क्लियर आई एक बार रिविजन लेते हुए चला तो देखिए रिविजन लेते हुए

जैसे मैं आपको रैके पैरामीटर की बात करा रही थी अब ये रैके पैरामीटर है क्या वो आप डिस्कस कर लीजिए ओके तो देखो ना रैके पैरामीटर क्या होता है पैरामीटर क्या होता है ये आपको डिस्क्राइब कराता है कितना आपके जो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हम पैरामीटर यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं रेके पैरामीटर ओके तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रेके पैरामीटर डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ओके अब आपका इन आपका कोई भी ट्रांजिशन मेटर कॉम्प्लेक्स

करेंगे तो इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम पैरामीटर का यूज करते हैं उसी को बोला जाता है रेक के पैरामीटर ओके अब एक्चुअली तीन टाइप के पैरामीटर तीन टाइप के रेक के पैरामीटर जनरली हम देखते हैं कौन-कौन सा एक होता है ए एक होता है बी एक होता है सी ओके okay? जैसे हम ऊपर गए रैके पैरामीटर को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट एक्चुअल में तीन टाइप के रैका पैरामीटर होता है एक होता है ए एक होता है बी एक होता है सी ओके okay? अब ये ए क्या होता है ए मतलब होता है ए रैके पैरा भी आपका रैके पैरामीटर है बी भी है और सी भी है बट ये ए रैके पैरामीटर का यूज जनरली आप चैबेनो सुगैनो डायग्राम जब बनाते हैं यहां यूज नहीं करते और आपने ज्यादा इसको देखा भी नहीं होगा इसका रीजन ये है कि जो ए रैके पैरामीटर है इसका यूज आप तब करते हैं जब आप एवरेज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की बात करते हैं या फिर टोटल इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की बात करते हैं ओके तो ए जो है वो एवरेज रेक का पैरामीटर है जो कि आपको एवरेज

कहते हैं लेकिन बी और सी में से भी हम मोस्टली बी का यूज करते हैं बी अ रेक के पैरामीटर ओके okay? तो बी का हम यूज करते हैं सो so, सॉरी बी का हम यूज करते हैं एज अ रेका पैरामीटर जब मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम बी का यूज करते हैं इतनी चीज क्लियर आई तो ये बोल रहा है बी इज अ अस्ट इंपॉर्टेंट रेके पैरामीटर और टिपिकली अगर हम किसी फ्री एन के लिए बी की वैल्यू निकाले तो ये आपको सेंटीमीटर की मिलती है ओके तो जिस पैरामीटर को आप इतनी चीज माइंड पर रखिए कि रैके पैरामीटर आपको इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बारे में बताता है जिसे आप सिंपली क्या है कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं ओके इतनी चीज क्लियर आई अब आगे बढ़ी ओके अब आगे मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं आपको जस्ट ये दिखा चाह रही यहां पे हमने क्या है ग्राउंड स्टेट टर्म की बात की क्योंकि देखिए ना हमने कितनी बार ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल दिया हमारा जो पहला लेक्चर था उस पर भी हमने ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना सीखा था वहां तो हमने पूरा पूरा लेक्चर दिया था ग्राउंड स्टेट टर्म को निकालने में ओके उसके साथ साथ हमने जब ऑर्गल डायग्राम सीखे ऑर्गल डायग्राम पे भी हमने सेपरेटली ग्राउंड स्टेट टर्म निकाली बट हम इतनी बार ग्राउंड स्टेट टर्म निकालते आ रहे हैं तो अब मैं यहाँ पर जब आपको ये टेनाबे सुगैनो डायग्राम ड्रॉ करवाऊंगी इसका स्पेक्ट्रा दिखाऊंगी इसके लिए कोरिलेशन डायग्राम दिखाऊंगी तो वहां मैं आपको ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना नहीं सिखाऊंगी क्योंकि हम ऑलरेडी इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं तो अब निकालने की जरूरत नहीं है तो मैंने जैसे आपको कॉन्फ्रुगेशन एंड टर्म सिंबल में यहाँ पर को एड किया हुआ है कि कौन कौन से कॉन्फ्रुगेशन के लिए कौन कौन सी ग्राउंड स्टेट रहती है ग्राउंड स्टेट स्टेट के साथ साथ कौन कौन से टर्म सिंबल्स रहते हैं। ओके? तो देखो हुआ क्या आप जस्ट पर देखिए एक मिनट तो है जब भी आपका कॉन्फ़िगरेशन D1 और D9 रहता है तो आपकी वहां पर को ग्राउंड स्टेट टर्म होती है 2D जैसे अभी हमने आगे डिस्कस किया तो ये चीज अपने माइंड पर रखिएगा कि 1 D1 और D9 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म रहती है वो होती है 2D ओके अगला आगे भी किया था, जब मैंने आपको अभी रफली दिखा है तो वहां मैंने थ्री एफ लिखा था एज अ ग्राउंड स्टेट बट थ्री एफ के साथ हमने बोला था थ्री पी का भी यूज करते हैं, आप चाहे उसके आगे वन जी मतलब आप क्या है पूरा ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप थ्री एफ और थ्री पी का ही बनाए आप उसके ऊपर वन जी का भी बना सकते हैं वन डी का भी बना सकते हैं वन एस का भी बना सकते हैं और इनकी फर्दर स्प्लिटिंग मल्टीप्लिसिटी वगैरह भी शो कर सकते हैं बट अगर उतना बड़ा नहीं बनाना चाहते तो आपको क्या है अगर थ्री एफ ले रहे हैं तो थ्री एफ के साथ साथ थ्री पी को भी रिप्रेजेंट करना होता है ओके अगला अगर हम d3 और d7 कॉन्फिगरेशन की बात करें तो d3 और d7 कॉन्फिगरेशन में क्या है हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो 4f होती है बट 4f के साथ-साथ हम क्या है 4p का भी यूज करते हैं ओके अगला अगला है हमारा d4 एंड d6 कॉन्फिगरेशन यानी कि अगर किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का आपको कॉन्फिगरेशन d4 एंड d6 मिलता है तो उस केस में जो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो होती है आपकी 5d ओके और अगला अगर आपका कॉन्फ्रोगेशन क्या है डी फाइव है तो उस केस में देखो अब अगर आप डी फोर और डी सिक्स की बात करते हैं ना तो वहां आपको देखो मैंने ये देखो ना ये रेड से दिख रहा है यहाँ आपको अगर डी फोर और डी सिक्स की बात करते हैं तो ये जो टर्म्स है इनको अगर आप लेना चाहते हैं

मैस स्किप भी कर सकते हैं इतनी चीज क्लियर है तो ये ग्राउंड स्टेट टर्म को आप मैं आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ वहां से आप इसे रिवीजन में लेते रहिएगा वरना आपको निकालना तो आता ही है निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए बट बहुत टाइम टेकिंग रह जाएगा निकालेंगे तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि ये ये होता है ओके तो अब हम आगे बढ़ा अब हम देखो अब हम बढ़ रहे की टर्म स्प्लिटिंग इन ऑक्ट्रोहल कॉम्प्लेक्स की टू डी है तो येगाडवल तो की बात करते हैं आपका तो ई जी नीचे वाला सेट होता है आपका टू टू जी ओके बट इनके आगे आप ये भी टर्म लगाते हैं अगर आपके आगे टू कि मल्टीप्लिसिटी टू है तो आप इसके आगे टू टू लगाएंगे ओके अगला आपका थ्री एफ कैसे स्प्लिट होता है थ्री पी कैसे स्प्लिट होता है ये भी हम

वन जी टी टू जी टी टू जी जी ये होता है पर रखते चलना होगा, अब आपने इतनी चीज माइंड पर रख ली अब हम लोग पर्टिकुलरली बात करते हैं कि ये कैसे बनेगा, तो, पहले तो जिस मैंने आपको वही स्टेप दिखाया है आपके रिविजन के लिए हो मैं इसको आपको नोट शेयर करती हूँ तो आपको रिविजन पर्पज में यह हो जाएगा की अगर आपने टिनाबेनो डायग्राम बनाना है तो फर्स्टली आपको क्या करना होगा ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी होगी अपने ट्रांजेक्शन मेटर कॉम्प्लेक्स की और ग्राउंड स्टेट

एस एल अपॉन जे ओके एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट टर्म को कुछ ऐसे लिखते हैं एस एल अपॉन जे यहां पर एस आपको क्या रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लिसिटी एल आपका क्या होता है एल आपको वैल्यू आप निकालते हैं और एल के लिए वैल्यू आपकी क्या होती है जीरो वन टू थ्री फोर बट हमने क्या बोला था एल की वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखते वैल्यू की प्लेस पे हम क्या लिखते हैं एल की वैल्यू अगर तो जीरो आई तो हम प्लेस में लिखते हैं एस वो भी कैपिटल ओके अगर एल की वैल्यू वन आई तो हम लिखते हैं पी टू आई तो डी थ्री आई तो एफ फोर आई तो जी ओके तो आपने क्या है एल की वैल्यू कितनी आई है उसके बेसिस पे एस पी डी एफ जी का यूज करना होता है बाकी जे जे आपको पता है एल प्लस एस की कपलिंग होती है उसको हम बोलते हैं जे यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम की यहाँ पर बात होती है तो हम ऐसे वैल्यू को पुट करते हैं इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म तो किसी भी किसी भी ट्रांजिशन मेटर कॉम्प्लेक्स के लिए आपने ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है तो आपको ये वैल्यूज निकालने यानी कि पहले आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे और आपको पता है फॉर्मूला तो बहुत आसान है एन प्लस वन और एन मतलब क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपके पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें आपको प्लस वन कर देना है तो आपको क्या मिल जाएगी आपकी मल्टीप्लिसिटी तो आप अपनी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे देन एल की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है एल की वैल्यू क्या होती है जब आप यहाँ पर को बोलते हैं अगर डी की बात है तो इसे आप बोलते हैं माइनस टू इसे बोलते हैं माइनस वन इससे जीरो प्लस वन ये होता है आपका प्लस टू अब यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ए सपोज तो, मैंने बोला कि यहां पर पांच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक वैल्यू होगी इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू ये इसकी वैल्यू ये ये इसकी वैल्यू ओके अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में आपने दो वैल्यूज लेनी होंगी इन सबको ऐड कर दो जो वैल्यू आई आपकी उसे आप एम बोलते हैं उसको ही आप बोलते हैं एल ओके और एल की जितनी वैल्यू आई उसी के रिस्पेक्ट में आपने देखना होता है कि एल की वैल्यू अगर जीरो आई तो आप एल की प्लेस पर रखेंगे एस अगर एल की वैल्यू, वैल्यू वन आई तो उसकी प्लेस में रखेंगे पी अगर टू आई तो डू या डी अगर थ्री आई तो एफ और फोर आई तो जी, ओके? तो ओके, बस इतना करना होता। आपको पता है, L वाला हम लोग रूल लगाते हैं और हम लोग जे की वैल्यू पुट कर देते हैं ओके बट मैंने आपको ऑर्गर डायग्राम पर ये भी बताया था कि जे से अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो जे को आप स्किप भी कर सकते हैं जे का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है जे से आपने कुछ नहीं करना होता है ठीक है तो आपने क्या है जे को स्किप भी कर सकते हैं कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है आप जस्ट एस और एल की वैल्यू निकालो जो कि बहुत आसान है हमने लास्ट के लेक्चर से बहुत बार निकाली भी हुई है तो आप जस्ट एस और एल की वैल्यू निकालो और इनको जस्ट पुट कर दीजिए ठीक है एस की वैल्यू पुट करेंगे जे के लिए टर्म पुट करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमारी होती है ग्राउंड स्टेट टर्म तो बस आपने पहले स्टेप में ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी ओके अब उसको अगर आपने ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल दी तो हमने क्या बोला था ग्राउंड स्टेट टर्म को एज अ हम रेफरेंस लेते हैं एज अ कॉन्स्टेंट uh, रेफरेंस लेते हैं और कॉन्स्टेंट रेफरेंस लेके हम उसकी फिर स्प्लिटिंग कराते हैं तो स्प्लिटिंग कैसे होगी हम सारे टाइप के कॉन्ट्रोगेशन के रिस्पेक्ट में मैं आपको बताती हूँ आप जस्ट यहां पर देखो पहले एग्जाम्पल से ठीक है तो पहले एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करने वाले हैं पहले एग्जाम्पल में हम किसकी बात करने वाले हैं हमारे कॉन्फ्रुगेशन D1 और D9 ओके अब D1 और D9 को मैंने क्यों लिखा क्योंकि इन दोनों कॉन्फ्रुगेशन के लिए अगर आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स D1 वन का है या D9 नाइन का है तो इन दोनों के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म आती है वो आती है हमारी टू हमने ऊपर भी डिस्कस किया था हमारी जो ग्राउंड स्टेट टर्म आती है डी और डी के लिए वो होती है टू ओके तो मैंने टू को यहाँ पर प्लेस किया देखो हमने क्या किया 2d होती है इतने आपको पता चल के ग्राउंड स्टेटम 2d आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं जो स्टेप हमने फॉलो कर दे उनका यूज करके ओके okay? तो अब आप क्या करेंगे तो देखो आपने वही किया एक आपने x एक्सिस लिया एक आपने y एक्सिस लिया आपने x एक्सिस पे क्या किया अपना कौन सा क्या यूज करना था x एक्सिस पे आपका डेल्टा अपॉन बी यानी कि आपका क्रिस्टल फीड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्ट्रेडर कॉम्प्लेक्स

आपको पता है 2D की स्प्लिटिंग आपने करानी है तो आपको पता है 2D कैसे स्प्लिट करता है आपने देखा 2D देखो 2D कैसे स्प्लिट करता है D को कैसे स्प्लिट करा सकते हैं EG एंड T2G तो आपको पता है EG एंड T2G के आगे अगर D के आगे टू लगाए तो EG और T2G के आगे भी आप क्या लगाएंगे 2 यानी कि जो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो आपका क्या है मल्टीप्लिसिटी टर्म जो है वो आपका है टू तो आपने क्या किया यहाँ पर जो स्प्लिटिंग कराई एक तो आपका यही स्प्लिट हुआ ये आपको समझ टू डी एक तो कुछ ऐसे स्प्लिट हुआ यहाँ पर इसे आप क्या बोलेंगे नीचे आपका क्या आता है टी टू जी तो ये तो आपका टी टू जी लेवल हो गया इसके ऊपर जो स्प्लिटिंग हुई ये आपका क्या हो गया ई जी लेवल हो गया इतनी चीज क्लियर आई और इसको हम क्या लेते हैं कैपिटल में लेते हैं इसको सीरेज करा देती है ये आपको खिचड़ करेगा एक मिनट ठीक है तो आपने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया ये लेवल हो गया आपका टी टू जी ये लेवल हो गया आपका ई जी अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी दिखा सकते हैं नहीं दिखाना चाहते तो कोई इसका जरूरी भी नहीं होता है तो आपने इसे बोल दिया टी टू जी इसे बोल दिया ई जी अब इनकी मल्टीप्लिसिटी है टू तो मैं इसके आगे लिख दूंगी टू इसके आगे भी लिख दूंगी टू ओके अब हुआ क्या देखो ये हो गया ठीक है अब देखो अब ये जो मेरा था ये मेरा डीवन कॉन्फ्रगेशन का था अब देखो सेलेक्शन रूल तो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं ऐसा नहीं कि यहाँ आपके कोई सलेक्शन रूल ही एप्लीकेबल नहीं होंगे यहां भी आपके जो लेपर्ड सिलेक्शन रूल था स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिलेक्शन रूल था वो सब अप्लाई करेंगे यानी कि देखो ना जैसे मैं आपको सिंपली ऐसे बोलूं जब मैंने आपको ऑर्गेल डायग्राम पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां दो सिलेक्शन रूल फॉलो करवाए थे कि आपने ये दो सिलेक्शन रूल फॉलो करने ही करने हैं पहला क्या बोला था कि आपका जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए वो वीक फील्ड होना चाहिए यानी कि जो आपके लिगिंट है वो आपके क्या होने चाहिए वीक लिगेंट होने चाहिए ओके दूसरा सिलेक्शन रूल ये बोला था कि वो ही ट्रांजिशन आपका अलाउड होगा जहां पर को क्या होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होगी यानी कि जो आपका एस की वैल्यू होती है डेल्टा एस की वैल्यू होती है वो आपकी जीरो नहीं होगी अगर डेल्टा होगी अलाउड होगा और हमको देती है, ओके? तो यहां पर को, जब भी आप ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कराते हैं लेकिन जब आप यहाँ पर, को, सुगेनो बनाते यहां पर को आपने पहली कंडीशन को फॉलो नहीं करना होता है लेकिन सेकंड कंडीशन को आप फॉलो करेंगे ठीक है तो पहली कंडीशन में तो

तो दूसरा हमने किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है डी नाइन कॉन्फिगेशन के रिस्पेक्ट में बात करनी है ओके okay? तो डी नाइन कॉन्फिगेशन की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या होगा सेम चीज होगा डी टू इनका डी नाइन का जो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म है इसका भी टू डी है तो टू डी के लिए अगेन क्या होगा टू डी को हमने क्या एज अ कॉमन रेफरेंस की तरह रेफरेंस की तरह लिया यहाँ पर वैल्यू आपकी जीरो है आपने इसे स्प्लिट किया ये दो में स्प्लिट करता है आपको पता है एक होता है आपका इसको ये स्प्लिट कुछ ऐसे करेगा ठीक है ये ऐसे स्प्लिट हुआ ये होता है आपका टी टू जी लेवल ये होता है आपका ई जी लेवल ओके okay, ये कैपिटल लीजिएगा जी लेवल ओके अब इसको भी आप कैपिटल लीजिएगा ठीक है इसको भी टी टू जी को भी कैपिटल लीजिएगा यहाँ पर हम कैपिटल टर्म यूज करते हैं टी टू जी और ये भी आपका टी टू जी ओके अब आपने क्या किया इसके आगे मल्टीप्लिसिटी टू है तो इनके आगे मल्टीप्लिसिटी सेम रहेगी एज इट इज रहेगी अब देखो क्या यहाँ पर जो ट्रांजिशन है वो अलाउड अलाउड है बात है है बात क्यों क्योंकि जब भी आपने यहाँ पर को आपने पर पर ट्रांजिशन ट्रांजिशन देखा बोला के टाइम इनकी मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हुई बिफोर ट्रांजिशन मल्टीप्लिस आपकी टू एंड आफ्टर ट्रांजिशन भी आपकी मल्टीप्लिसिटी हुई टू तो यहाँ पर आपको पूरा खोल खोल के जैसे मैंने आपको ऑर्गल डायग्राम पर पूरी चीजें दिखाई थी ना कि जैसे आप स्पेक्ट्रा करा रहे थे स्पेक्ट्रा कराने के बाद कौन सी पॉसिबिलिटी है

Transition two and but after transition two, तो यानी 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 कि 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 क्या होगा आपका होगा आपका के में कोई भी नहीं आया कि यहां पर को जो आपको ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है वो एक ट्रांजिशन है वो भी आपका अलाउड ट्रांजिशन है और अलाउड ट्रांजिशन है तो इसके लिए आपको स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा जो की सिंगल पीक के फॉर्म में आपको अपेयर होगा इतनी चीज क्लियर आई और आपको पता है कि स्पेक्ट्रा किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करते हैं हम लोग इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ या फिर आप वेव नंबर भी बोल सकते हैं ठीक है तो कुछ इस टाइप की पीक्स आपको देखने को मिलेंगी इतनी चीज क्लियर आई अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट स्पेक्ट्रा पे मतलब सॉरी नेक्स्ट कॉन्फ्रुगेशन पर तो देखिए अब अगला आ गया हमारा डी टू एंड डी एट कॉन्फ्रुगेशन के लिए ओके अब डी टू एंड डी एट कॉन्फ्रुगेशन के लिए कैसे आपको रिलेशन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिएगा सबसे पहले बस अपना वो लिखना है एक्स एक्सिस पे क्या प्रेजेंट है वाई एक्सिस पे हमने किसको दिखाना है ठीक है तो आपको पता है

से बनाएंगे तो इजी है आपने क्या करना है जिस देखो D2 टू और D8 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म होती क्या ठीक तो है तो निकालना चाहते हैं तो निकालिए अदरवाइज मेरे यहां पर टेबल दिखाई हुई है तो आप जिस यहां पर देखिए D2 टू एंड डी एट के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म आपकी होती है थ्री एफ ओके बट थ्री एफ के साथ साथ हमने एक और टर्म का यूज यहाँ पर करना होता है वो है आपका थ्री पी ओके तो हमने ग्राउंड स्टेट टर्म थ्री एफ एंड थ्री पी का हमने यहां पर को यूज करना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म तो है आपकी थ्री एफ बट थ्री एफ के साथ साथ हम थ्री पी का भी यूज करेंगे ओके बट ग्राउंड स्टेट टर्म हमारी क्या 3F है थ्री एफ है ओके तो थ्री एफ को ही हम एज अ रेफरेंस लेंगे यहाँ पर कॉन्स्टेंट रेफरेंस यानी कि जीरो पॉइंट पर ये जो पॉइंट जीरो है यहां पर को मुझे क्या लिखना है है 3f यहां भी और यहां भी क्योंकि दोनों के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है 3f 3f ही है ओके बट 3f के साथ हमने 3p लेना है तो किसी भी पॉइंट पर आप यहाँ पर को 3p लिख दीजिए किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर आप 3p लिख दीजिए ओके अब हम क्या करेंगे बस हमने स्प्लिटिंग करानी है आपको पता है 3f किस में स्प्लिट करता है 3f स्प्लिट करता है आपका f है ए टू जी टी वन जी और टी टू जी में स्प्लिट करता है और पी स्प्लिट करता है टी वन जी में स्प्लिट करता है बट एक और चीज आपने माइंड पर रखनी है कि अगर हमारा जो एफ वाला ग्राउंड टर्म है उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू थ्री है तो इसकी जो स्प्लिटिंग होगी इन सबके आगे मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आप क्या लगाएंगे थ्री लगाएंगे ओके okay? तो हम अब स्प्लिट करा देते हैं तो देखो एफ वाला ग्राउंड स्टेट टर्म यानी कि थ्री एफ हमारा कैसे स्प्लिट करेगा तीन पार्ट में तो जो पहली स्प्लिटिंग होती है ये वाली अगर मैं इसको यहाँ पे हम स्प्लिटिंग दिखाएंगे ये तो ये स्प्लिटिंग में हम क्या लिखेंगे टी वन जी लिखते हैं हम लोग क्या डी टू और डी एट के, के, के को पहले बेस में क्या लिखते हैं टी वन जी लिखते हैं बट इसके आगे मल्टीप्लिसिटी लगाऊंगी तो ये बन जाएगा थ्री टी वन जी इसके ऊपर हमारा क्या आता है इसके ऊपर आता G, okay? तो ये हो गया हमारा G, और इसके ऊपर मल्टीप्लीसिटी मैंने लगा दी थ्री ओके okay? इतनी चीज क्लियर आई अब हमने क्या करना है अब हमने एक्स के तो कर दी ठीक है अब हम करेंगे थ्री पी तो आपको पता है थ्री पी कैसे स्प्लिट करती है थ्री पी स्प्लिट करती है बस एक पार्ट में में थ्री टी मतलब पी तो हमारा स्प्रिट किसमें करता है टी वन जी में बट पी के आगे मल्टीप्लिसिटी थ्री है तो ये स्प्रिट किसमें करेगी थ्री टी वन जी में तो हमने इसे स्प्लिट कर दिया कुछ ऐसे ये किसमें स्प्लिट हुई थ्री टी वन जी में इतनी चीज क्लियर आई तो ये बस हमारी स्प्लिटिंग हो गई और यही तो हमारा कोरिलेशन डायग्राम हुआ बस बन गया ओके अब सिमिलरली आप इसका यहाँ भी कर लीजिए यानी कि ये डी टू के लिए बनाया तो डी एट के रिस्पेक्ट पर भी बना दीजिए कि थ्री एफ हमारा कैसे स्प्लिट हुआ ये बन गया हमारा थ्री टी वन जी ओके okay. और यहां पर आ गया हमारा थ्री टी टू जी ओके और यहां पर को हमारा क्या आ जाएगा थ्री ए टू जी ये हमारा सॉरी सॉरी ये हो जाएगा हमारा ए टू जी कैसे आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा थ्री t1g ओके okay? और 3p किस में स्प्लिट करता है a2g में तो ये यह यहाँ पर आया 3a2g इतनी चीज क्लियर आई बस ये हमारा बन गया कोरिलेशन डायग्राम ओके okay? बट हमने यहाँ पर को क्या दिखाना है कि कौन से ट्रांजिशन हमारे अलाउड हैं तो अलाउड कहाँ से कहां होंगे अगर कोई भी ट्रांजिशन आपका क्या होगा सेम मल्टीप्लीसिटी का होगा वही आपका अलाउड होगा तो देखिए कितने ट्रांजिशन आपके यहां पर अलाउड हो रहे हैं पहला ट्रांजिशन है आपका देखो थ्री टी वन जी से आपका कहा जा रहा है थ्री टी टू जी तो यहाँ पर आपकी है, तो ये आपका है, एक हैं क्योंकि ये भी आपका सेम मल्टीप्लिसिटी का है तो आपका देखो मल्टीप्लिसिटी थ्री तो यहाँ भी मल्टीप्लिसिटी आपकी थ्री तो यहाँ भी आपका ट्रांजिशन पॉसिबल है और आपका यहाँ से यानी कि थ्री टी वन जी और से थ्री ए टू जी में भी ट्रांजिशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों के स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू थ्री थ्री है तो आपको तीन ट्रांजिशन पॉसिबल है इस केस में भी इस केस में भी यानी कि D2 टू के लिए भी D8 एट के लिए भी आपको तीन ट्रांजिशन मिलेंगे और तीन ट्रांजिशन आप कैसे दिखाएंगे ट्रांजिशन किसके रिस्पेक्ट में बनते हैं यहाँ होती है आपकी इंटेंसिटी वर्सेस में आपका क्या होता है वेवलेंथ या फिर आप वेव नंबर यूज कीजिए और यहाँ पे जो आपको पीक्स देखने को मिलेंगी तीन पीक्स आपको यहाँ पर को देखने को मिलेंगी इतनी चीज क्लियर आई बस इतना सा काम करना है ओके okay? अब हमारा आ, आगे बढ़ता है आगे, आगे आपने नॉन क्रोसिंग रूल का भी यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्फ्रुगेशन में जो है आपका D3 थ्री एंड डी सेवन ओके अब D3 और D7 सेवन कॉन्फ्रेशन केस में क्या होता है वही चीज आपने करनी है सबसे पहले आप अपना क्या लिखेंगे कि ये जो आपका प्लॉट बन रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है यहाँ पर आपका क्या रहता है ये आपकी वाई एक्सिस है वाई एक्सिस में आप क्या यूज करते हैं यहां पर आप लेते हैं एनर्जी टर्म डिवाइड में आपका रेके पैरामीटर X एक्सिस में आप किसका यूज करते हैं डेल्टा नॉट यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय आपका रैके पैरामीटर यानी कि बी ओके और आपका क्या है आपका ये आपका d3 थ्री के लिए है ये आपका d7 सेवन के लिए है तो यहाँ भी आप कीजिए आप अपने वाई एक्सिस पे क्या लगेंगे अगेन एनर्जी टर्म डिवाइडेड बाई रैके पैरामीटर Y is X एक्सेस में क्या लेंगे डेल्टा नॉट यानी क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी डिडामी देखिए यहाँ पर हम देखते हैं डी थ्री एंड डी सेवन कॉन्फ्रेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म रहता है आपका फोर एफ बट अगर हम फोर यूज कर रहे हैं तो हमको फोर के साथ फोर पी भी यूज करना है ओके okay? तो मैंने यहां पर लिख दिया फोर एफ यानी कि हमारे जो दो

में आपको यह चीज समझा देती हूं कि आपको यह चीज पता है ना कि 4f और 4p टर्म में से मैं अगर आपको एनर्जी वाइज पूछूं कि किसकी एनर्जी ज्यादा है तो आप किसको बोलेंगे ऑब्वियस सी बात है 4p को बोलेंगे क्यों क्योंकि ये हमारा जो y कोऑर्डिनेट है ये हमारी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है और जितना ऊपर को हम जाते हैं ये हमारी एनर्जी को इंक्रीज करता है तो देखो फोर एफ तो हमारा बेस में प्रेजेंट है 4p हमारा अपर साइड प्रेजेंट है इट मीन्स 4p की एनर्जी वैल्यू आपकी ज्यादा होगी कंपेयर टू 4f ओके okay? तो ये चीज माइंड पर रखिएगा कि 4p की एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू 4f ओके okay? अब आप क्या करेंगे अब आपने करनी है स्प्लिटिंग तो देखो आपका आपका कैसे स्प्लिट करता है है आपको पता है? F आपका तीन पार्ट में स्प्लिट करता है टी वन जी में ओके तो, r... okay? तो मैं पहले एफ की स्प्लिटिंग कराती हूँ तो देखो एफ आपका कैसे स्प्लिट हुआ एफ आपका स्प्लिट हुआ पहले आपका ये स्प्लिट हुआ आपका ए टू जी में फिर आपका ये स्प्लिट हुआ आपका किसमें

सेम मल्टीप्लिसिटी सेम सिमेट्री के एक्सिस्ट कर रहे हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को कोरिलेशन डायग्राम के टाइम पर क्रॉस नहीं कर सकते बट आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है कौन कौन से जो क्रॉस कर रहे हैं ये दोनों ही तो क्रॉस कर रहे हैं ये और ये कौन कौन से T1G जी एंड T1G जी तो देखो दोनों आपके सेम टर्म है और इनकी मल्टीप्लिसिटी भी सेम है दोनों की मल्टीप्लिसिटी है फोर यानी कि सेम मल्टीप्लिस और सेम सिमेट्री वाले टर्म कभी भी आपस में क्रॉस नहीं कर सकते ये बात की थी नॉन क्रॉसिंग रूल ने यानी कि जो हमने प्लॉट बनाया बिल्कुल गलत है तो, कर तो करेंगे क्या कैसे इनको हम दिखाएंगे शो कैसे कराएंगे तो नॉन क्रॉसिंग रूल ये बोलता है कि जिस एनर्जी टर्म की जिसके जिस टर्म की एनर्जी की वैल्यू कम है उसे आप और ज्यादा स्टेबलाइज कराओ स्टेबलाइज कैसे कराएंगे ये चीज पता है ना कि हम लोग क्या बोलते हैं एनर्जी जितनी की एनर्जी की वैल्यू हमारी जितनी कम रहती है वो चीज हमारी उतनी ही ज्यादा स्टेबलाइज होती है ओके लेकिन जैसे हम एनर्जी की वैल्यू जितनी ज्यादा इंक्रीज करते हैं एनर्जी की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारी अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होती है अनस्टेबिलिटी बढ़ती रहती है ओके तो नॉन क्रॉसिंग रूल हमसे ये बोलता है कि जो हमारा हायर एनर्जी जो हमारा लोअर एनर्जी वाला टर्म है ना उसको आप और ज्यादा स्टेबलाइज कराओ उसको आप और ज्यादा उसकी एनर्जी को आप और कम कराओ मतलब जिसकी एनर्जी कम है जिस टर्म की जैसे देखो जिस भी टर्म की एनर्जी की वैल्यू आपकी कम है उसे आपने और उसकी एनर्जी को आपने और कम कराना है यानी कि उसे आपने और स्टेबलाइज कराना है लेकिन अगर किसी भी टर्म की जो दूसरा वाला टर्म है जो दूसरा वाला टर्म आपको क्रॉस कर रहा है अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है तो उसकी आप एनर्जी और बढ़ाओ और उसे आप और अनस्टेबलाइज करो ओके तो हमारे क्रॉस करने वाले टर्म कौन है एक है आपका फोर ए टू जी तो देखो दो टर्म है ना आपके एक है फोर टी वन जी और दूसरा है आपका फोर जी। दोनों आपके सेम थे, सेम के हैं लेकिन आप देखो अगर एक टीवन जी जो है तो अगर मुझे इन दोनों को क्रॉस नहीं कराना है तो मैं नॉन क्रॉसिंग रूल का यूज करते हुए ये लाइन का मतलब ये स्टेटमेंट का यूज करूंगी तो देखो स्टेटमेंट हमारी एनर्जी के टर्म है तो पहले आप बताइए ये दो टीवन जी जो हमारे पास है ये एक ये वाला एक ये वाला एक ये वाला ओके यानी कि एक फोर एफ का एक फोर पी का इन दोनों टी वन जी वाले जो टर्म है इनमें से एनर्जी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है ओके तो देखो हमने आप आप बोला था कि अगर आप 4P और 4F की बात करेंगे, तो फोर पी की एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू फोर एफ तो फोर पी एनर्जी का जो टर्म होगा फोर पी एनर्जी का टर्म कौन सा है फोर टी वन जी वाला जो ये टर्म है इसकी एनर्जी हमारी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस ओके तो मैं देखो मैं ऐसे करके कर लेती हूँ फोर पी मेरा जो ये वाला है ना फोर पी ये जो मेरा ये है इसको मैं रेड से दिखा देती एक रुकेगा इसको मैंने रेड से दिखाया यानी कि जो रेड वाला मेरा टी वन जी है ना फोर टी वन जी रेड वाला जो मेरा फोर टी वन जी है इसकी एनर्जी ज्यादा है और जो पर्पल वाला मेरा फोर टी वन जी इसकी एनर्जी कम है क्यों है समझ में आया क्योंकि जो फोर टी वन जी रेड वाला है ये 4p का है और फोर पी की एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू फोर है तो हमने बोला कि जो रेड वाला फोर टीवन जी इसकी एनर्जी ज्यादा है और पर्पल वाले की एनर्जी कम है ओके तो अब हम क्या करेंगे अब हमसे क्रॉन क्रॉसिंग रूल ने ये बोला कि अगर इन दोनों की सिमेट्री सेम है तो हम ये से क्रॉस नहीं करा सकते तो हम कराएंगे क्या ये बोल रहा है जो टर्म जिसकी एनर्जी आपकी कम है उसे आपने और कम करना है यानी कि उसे आपने स्टेबलाइज कराना है और अगर जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी एनर्जी को आपने और बढ़ाना है यानी कि उसे अनस्टेबलाइज कराना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए आप क्या कराएंगे देखो वाले ये वाले टर्म की की यानी कि 4f जो टी वन जी, इसकी एनर्जी की वैल्यू आपकी कम है आपने साफ साफ बोला तो अब आप क्या कराएंगे इसकी एनर्जी की वैल्यू को और कम कराएंगे और कम कैसे कराएंगे तो हम जिस इतना काम करेंगे कि यहां पर को जो इसका कव जो पहले ऐसे जा रहा था ना ये कव कुछ ऐसे जा रहा था अब हम इससे क्या करेंगे इस कव को थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट कर देंगे कुछ ऐसे ओके अगर ऐसे कर्व करा दिया मतलब पहले ये यह यहाँ पर लाइक कर रहा था अब ये यह यहाँ पर लाइक कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ पहले इसके लिए एनर्जी की वैल्यू कुछ इस पॉइंट पर आ रही थी अब इसके लिए एनर्जी की वैल्यू कुछ इस पॉइंट पर आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है जितना ऊपर जाएंगे एनर्जी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा जितना नीचे आएंगे एनर्जी की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा तो हमने पहले एनर्जी की वैल्यू ज्यादा थी उसे हमने कम कर दिया तो देखो मैंने इसे क्रॉस करके नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया अब मैं इस पॉइंट को क्या लिखूंगी टी वन जी वो भी कैसा फोर टी वन जी वो भी किसका ये है एफ का फोर टी वन जी ओके और जो दूसरा वाला टर्म है रेड वाला जो हमारा किसका है फोरपी का है और इसकी एनर्जी ज्यादा है तो हमने इसे अनस्टेबल करना है अनस्टेबल कैसे करेंगे इसकी एनर्जी को और बढ़ा के और कैसे बढ़ाएंगे हम इसे यहाँ से इरेज करेंगे और इसको कैसे शिफ्ट कर देंगे आप जिस देखो मैं रेड से शिफ्ट करती हूँ इसको मैं ऊपर को दिखा दूंगी तो देखो पहले वो कुछ यहाँ लाइक कर रहा था ऐसे ऐसे था पहले वो कुछ यहाँ लाइक कर रहा था यानी कि उसकी एनर्जी, कुछ इस पे आ थी, अब हमने उसकी एनर्जी और बढ़ा दी क्रॉसिंग रूल यूज करके कुछ इस टाइप का कोरिलेशन डायग्राम बना और ये कोरिलेशन डायग्राम हमारा बिल्कुल सही कोरिलेशन डायग्राम है क्योंकि कोरिलेशन डायग्राम के साथ हमने नॉन क्रॉसिंग रूल को भी फॉलो करना होता है और नॉन क्रॉसिंग रूल हमें ये बोलता है कि वो जिनके सिमिट्री सेम है जिनके लिए मल्टीप्लिसिटी सेम है वो कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करेंगे और क्रॉस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो टर्म जिसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम है उसे आप और कम करके उसको स्टेबलाइज कर दो एनर्जी की वैल्यू वैसे ही कम है वो पहले से स्टेबल है तो आप एक और काम करो उसकी वैल्यू को और और डिक्रीज करो उसकी एनर्जी की वैल्यू में और डिक्रीमेंट करो और उसे और ज्यादा स्टेबल करो ओके हम अच्छे को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं गंदे को बहुत ज्यादा गंदा बना सकते हैं तो हमने ये काम करना है जो स्टेबल है उसे और स्टेबल करेंगे जो टर्म हमारा स्टेबल है उसे और स्टेबल करेंगे कैसे उसकी एनर्जी को रिड्यूस करा के और हमने क्या किया रिड्यूस कराने के लिए कर्व जैसा ड्रॉ किया कि उसे नीचे की ओर झुका दिया ओके और जो दूसरा वाला टर्म है जिसके लिए एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है उसको हमने एनर्जी की वैल्यू पहले ही ज्यादा थी और वो पहले ही आपका अनस्टेबल था तो आप क्या कर सकते हैं उसे स्टेबल कराने की बजाय आप उसे और अनस्टेबल करा दें और और अनस्टेबल कैसे कराएंगे जब आप उसकी एनर्जी की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे बढ़ाएंगे तो आपका कर्व कुछ आपको कुछ ऐसा अपेयर होगा ओके तो ये कर्व बनता है आपका d3 के लिए इतनी चीज क्लियर आई और सेम काम आपका d7 के लिए बनेगा यहाँ भी आप सेम काम करेंगे कि आपका df कैसे स्प्लिट होता है 4a1g और कैसे डिसप्लिट होता है 4t2g और आपका कैसे स्प्लिट करेगा फोर टी वन जी ओके और फोर पी कैसे स्प्लिट करता है फोर पी भी आपका फोर टी वन जी में स्प्लिट करता है पर सेम टर्म आपको क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पे तो हमने नॉन क्रॉसिंग रूल का यूज किया और हमने क्या किया कि जो हमारा 4f है इसका जो टर्म है जो 4f टर्म है इसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम है तो इसका जो टर्म होगा उसकी एनर्जी की वैल्यू हम और कम करेंगे कर्व को नीचे को ड्रॉ करके तो हमने क्या बोला इस टर्म को फोर टी वन जी और इससे जो हमारा टर्म आया इसको हमने और ऊपर की और शिफ्ट किया और इसे हमने क्या बोला फोर टी वन जी इतनी चीज क्लियर आई तो ये दो कोरिलेशन डायग्राम हमारे यहाँ पर को बन गए हमने अब ट्रांजिशन पे बात करनी है तो अब हम देखते हैं कितने ट्रांजिशन हमारे यहाँ अलाउड हैं जैसे हमने ऊपर देखा था सेम हमने तो यहाँ भी देखना है कि कितने ट्रांजिशन हमारे अलाउड हैं ठीक है थीके? तो अलाउड हम कैसे चेक करेंगे बस मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे तो देखो सबकी मल्टीप्लिसिटी यहाँ सेम है फोर 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 यानी कि यहाँ भी आपके सारे ट्रांजेक्शन अलाउड होंगे तो आप ट्रांजिशन तो कितने दिखा सकते हैं तीन ट्रांजिशन एक ट्रांजिशन आपका फोर ए टू जी से फोर फोर टी टू जी में एक ट्रांजिशन आपका फोर ए टू जी से फोर टी वन जी में और एक ट्रांजिशन आपका फोर ए टू जी से फोर टी वन जी में तो ये तीन ट्रांजिशन आपको देखने को मिले और यहां भी आपको सेम तीन ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे और इन तीन ट्रांजिशन के रिस्पेक्ट में आपको तीन टाइप के स्पेक्ट्रल पीक देखने को मिलेंगे जो की कि आप किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ कराते हैं वो आप ड्रॉ कराते हैं आपके वेवलेंथ और किसके बीच में इंटेंसिटी के बीच में तो यहाँ आपकी इंटेंसिटी यहाँ आपकी वेवलेंथ जिसे आप वेव नंबर भी बोल सकते हैं इसमें आपको तीन पीक देखने को मिलेंगे कुछ इस टाइप की और ये पीक आपकी क्या होती है टाइप की इंटेंस पीक होती है इतनी चीज क्लियर आई तो बस आपने इतनी चीज यहां पर दिखानी है ठीक है ठीक है तो देखो अब हम अगले एग्जाम्पल पे बात करते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा किसका है डी फोर एंड डी सिक्स कॉन्फ्रेशन ओके तो यहां भी आपका सेम चीज रहेगा डी फोर और डी सिक्स के लिए बिल्कुल सेम आपका कोरिलेशन डायग्राम रहेगा ठीक है थीके? तो क्या करना है तो बहुत ईजी है हमने क्या स्टेप्स फॉलो कराना है तो पहले सबसे पहले आप अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यू रखिए तो एक्स एक्सिस पे आपने क्या रखना होता है डेल्टा ओ अपॉन बी यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्ट्राइडवर कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाय ट्रैक के पैरामीटर ओके और वाई एक्सिस पे आप क्या रखेंगे आप अपना एनर्जी टर्म डिवाइडेड बाय ट्रैक के पैरामीटर तो ये वाला जो हम लोग कोरिलेशन डायग्राम बनाने वाले हैं वो D4 के लिए है और ये रहने वाला है हमारा D6 के के लिए यहां भी हम हमने Y पे एनर्जी टर्म डिवाइडेड बाय ट्रैक पैरामीटर कर देते हैं यहाँ हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्रिटिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई ट्रैक के पैरामीटर कर देते हैं ओके okay? इतनी चीज हुई अब हम क्या करेंगे बस स्प्रिटिंग कराएंगे पहले देखो डी एंड डी सिक्स के लिए आपका ग्राउंड स्टेट टर्म क्या रहता है तो आप ऊपर बढ़िए d4 एंड d6 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या रहता है 5d और 5d के साथ हमने कोई दूसरा टर्म लेने की जरूरत नहीं है तो आप जस्ट देखो आपका ग्राउंड स्टेट टर्म क्या रहा 5d ओके okay? तो मैंने यहाँ पर को 5d रिप्रेजेंट किया तो 5d ओके okay? तो 5d को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी आपको पता है हम यहाँ पर जीरो वैल्यू यानी कि कांस्टेंट पे हम अपने 5d को देंगे तो मैंने यहां पर को प्लेस कर दिया 5d यहां पर भी मैंने फ्लिप किया 5d ओके okay? और आपको पता है b की स्प्लिटिंग कैसे होगी d की स्प्लिटिंग आप कैसे कराते हैं तो यहां देखिए अगर आपके पास डी है तो आपने पता है डी कैसे दो पार्ट में स्प्लिट करता है ई जी एंड टी टू जी

अब हमने इसे ऊपर स्प्लिट किया ऊपर हमारा जो लेवल है उसे हम बोलेंगे ईजी अगेन आपने कैपिटल में लेना है इज फाइव ओके तो बस इतना छोटा सा कोरिलेशन डायग्राम था अब आपने क्या करना है ये तो आपने किसके लिए बनाया डी फोर के लिए अब डी सिक्स के लिए भी आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि दोनों के लिए जो आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म है वो सेम फाइव डी तो आपने इसको क्या बोला ये वाला जो टर्म बना ये आपका टी टू जी बना इसके लिए मल्टीप्लिसिटी फाइव एंड जो दूसरा वाला टर्म है वो आपका है ई जी एंड मल्टीप्लिसिटी फाइव ओके अब आपको मेन चीज है इसमें ट्रांजिशन देखना की कि कितने ट्रांजिशन और कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन है ओके तो यहाँ पर आपके दोनों एक ही ट्रांजिशन होने वाला है क्योंकि एक ही ग्राउंड स्टेट है एक ही एक्साइडेड स्टेट है तो एक ट्रांजिशन पॉसिबल है ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, और ये दोनों ट्रांजिशन आपके क्या है अलाउड है क्यों है क्योंकि दोनों में क्या है, जो आपका बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन जो आपको स्पिन रही है, है, है? है यानी कि चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिस तो दोनों केस में आपका सेम है तो हमारी मल्टीप्लिसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया तो हम बोलेंगे दोनों ट्रांजिशन हमारे यहाँ अलाउड ट्रांजिशन है और अलाउड ट्रांजिशन के लिए हमें पीक्स मिलेंगी यहाँ पे बनाती हूँ यहाँ पे बनाती हूँ ये हमने किसके रिस्पेक्ट में बनाई है इंटेंसिटी वर्सेज वेबली या फिर वेव नंबर यहाँ भी हम लेंगे इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ या फिर वेव नंबर और यहाँ जो हमें पीक मिलेगी वो एक सिंगल पीक हमको मिलेगी तो ये भी आपकी काफी इंटेंस रहेगी तो ये पीक कुछ हमें ऐसी देखने को मिलेगी इतनी चीज क्लियर आई तो ये हमारे दो कॉन्फिगेशन और कवर हुए अब हमारा एक लास्ट कॉन्फ्रोगेशन बना है डी फाइव कॉन्फ्रोगेशन तो देखो अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट कॉन्फ्रोगेशन के लिए हमने सारे कॉन्फ्रोगेशन कवर किए अब हमारा लास्ट बच गया डी फाइव ओके इसका हमारा कोई पेयर नहीं है ये हमारा लास्ट होता है डी फाइव कॉन्फ्रोगेशन ओके अब देखो ना डी फाइव कॉन्फ्रोगेशन अकेला भी है तो हम इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं अच्छे मतलब हमने क्या जैसे हमने अभी आपको बताया था कि तेनाबी सुगेनो डायग्राम में हमें ये कंडीशन फॉलो करनी होती है कि यहाँ पर को हमारा क्या होता है कोई भी ऐसा कोई सिलेक्शन रूल नहीं होता कि ये जो हमारा को

टर्म ही अलग मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है कोरिलेशन डायग्राम तो अलग अलग होगा ही ओके तो होता क्या है तो देखो अगर मैं D5 फाइव को वीक के केस में बताऊं यानी कि मेरे पास कोई भी ऐसा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है जो किस टाइप के मेटल के साथ सॉरी किस टाइप के लिगिन के साथ अटैच है जो कि वीक है जैसे आपका वाटर हो गया वाटर आपका एज अ वीक लिगेंट आप यूज करते हैं और आपको पता हम यहाँ पर को कैसे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे करें ऑक्ट्राइड कॉम्प्लेक्स यानी कि मेरा कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होगा मेटल होगा मेटल के साथ जो लिगिट है वो मेरे सिक्स होंगे बट यहाँ पे जो लिगिट होगा पहले केस में जो लिगिन मेरा होगा वो कुछ वीक लिगिट होगा जैसे आपका वाटर हो तो हमने यहाँ पर को वाटर एज लिगेंड की तरह यूज किया है तो अगर मेरे मेटल का कॉन्फिगरेशन d5 है तो यहाँ पर हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी तो देखो इनिशियली हम क्या करेंगे हमने अपने डिजनरेटेड सेट लिया यानी कि ये जो मेरा d सेट है यहाँ पर d5 मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिया है और ये d5 में मेरे जो पांच ऑर्बिट हैं d सेल के अंदर ये सारे के सारे क्या है मेरे डिजनरेटेड है सबकी एनर्जी इक्वल है ओके बट जैसे आप लिगेंड को अप्रोच कराएंगे आपको पता है लिगेंड क्या करता है ये डिजनरेटेड सेट को स्प्लिट कर देता है ओके अब ये चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रांग लिगेंड हो स्प्लिटिंग

ऊपर वाले सेट को आप इजी सेट और नीचे वाले सेट को टी टू जी सेट बोलते हैं ओके अब आपने देखो सेट तो किया सेट में स्प्लिटिंग तो की बट अब मेन बात आती है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे कराएंगे ठीक है तो आपको मैंने सीएफटी में भी पढ़ा और बार बार यहाँ भी बताती आ रही हूँ पांच इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली बात है पहले आप ग्राउंड स्टेट को फिल करेंगे वन

कर दी इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दिए अब हम क्या निकालेंगे अपने ग्राउंड स्टेट टर्म तो यहाँ पर हम ग्राउंड स्टेट टर्म में क्या चाहिए हमको एक चाहिए एल टर्म हमको चाहिए एक चाहिए मल्टीप्लिसिटी तो आपको पता है मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है क्या होता है

इसकी होती है प्लस वन इसकी होती है प्लस टू ओके तो आप इन सबकी वैल्यू को एड करेंगे प्लस वन मतलब माइनस टू प्लस माइनस वन प्लस जीरो प्लस

में लू तो देखो मेरा कॉन्ट्रोगेशन कैसे बिगड़ेगा तो देखो हुआ क्या मैंने डी फैल लिया स्ट्रॉग फीट के कुछ ऐसे लिगेंट ले ली जैसे साइनाइड हो गया तो ये क्या एक के लिगेंड है तो इनके केस में क्या आपको ग्राउंड स्टेट मिलेगा तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया सबसे पहले हमने क्या किया अपना डी शेल लिया डी शेल हमारा क्या है पहले जितने भी ऑर्बिट है वो डिजनरेटेड है क्योंकि मेटल आयन था मेटल आयन के सारे शेल आपकी डिजनरेटेड है सारे ऑर्बिट डिजनरेटेड है तो ये मेरे D5 configuration है ओके okay? बट जैसे इनने लिगे के साथ अप्रोच किया लिगिन ने आपके मेटल के साथ अप्रोच किया तो लिगिन ने क्या किया आपके लिगेन के बीच में और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हुआ रिपल्शन की वजह से आपका जो मेटल का डी शेल था वो स्प्लिट कर गया दो पार्ट में अब स्प्लिटिंग किसके बेस पे होती है कि आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है तो यहाँ पर हम सारी बात ऑक्ट्राइडल कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में करें तो हमारी स्प्लिटिंग कैसे होगी ईजी वाला सेट ऊपर टी वाला सेट नीचे ओके अब बात होती है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस डिपेंड करती है कि हमारा लिगिन किस टाइप का लिगिन का बिहेवियर कैसा है ओके तो हमें पता है है फील्ड के केस में क्या होता है? हमारे दो फ्लोर यानी कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से क्या है हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे कूद नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कूदेंगे तो गिरेंगे होगा क्या यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को सेम चीज फील होती है कि अगर हम क्या है अगर मैंने पहले क्या इलेक्ट्रॉन को टी टू जी सेट में फिल करूंगी फाइव इलेक्ट्रॉन है तीन

S मतलब हुआ मल्टीप्लिसिटी जिसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन एन एन इज होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में डी फाइव कॉन्फ्रिगेशन होगा तो आपका जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे सिर्फ वन तो so, अगर आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज वन और वन प्लस वन आपका हो गया टू यानी कि मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आपकी कितनी आई टू लेकिन ऊपर वाले केस में वीक के केस में मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आई थी सिक्स तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आया अब देखो दूसरा होता है आपका एल टर्म अगर आप एल की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी तो देखो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये होता है माइनस टू ये होता है माइनस वन ये होता है जीरो okay? तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एल की वैल्यू सिक्स ओके और अगर एल की वैल्यू सिक्स है तो आपको पता है एल की वैल्यू हमारी सिक्स देखो फाइव ही यहाँ पर फोर ही हमने लिखी है इसके बाद फाइव इसके बाद सिक्स ओके जी के बाद क्या हो जाता है आपका एच उसके बाद हो जाता है आई यानी कि जब भी आपकी मल्टी एल की वैल्यू आपकी सिक्स हो तो आपको कौन सा टर्म यूज करना है आई तो आप सिक्स को क्या लिखेंगे आई यानी कि ग्राउंड स्टेट टर्म आपकी क्या होती है एस बेस में आपका एल यानी कि एस की वैल्यू टू और बेस की वैल्यू आई तो आपका ओवरऑल ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो गया टू इतनी चीज क्लियर है <laughs> तो देखो कितना मिल रहा है तो देखो ना हुआ क्या कि वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के, के केस में आपको अलग अलग टाइप के एक ही कॉन्ट्रिग्यूशन है बट अलग अलग टाइप की फील्ड होने की वजह से अलग अलग ग्राउंड स्टेट टर्म मिली पहले केस में यानी कि वीक फील्ड के, के केस में आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म है एस और आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड के, के केस में आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म है टू आई इतनी चीज क्लियर आई तो अब हुआ क्या अब हमने इन दोनों टाइप के ग्राउंड स्टेट टर्म का यूज करते हुए कोरिलेशन डायग्राम बनाना है ठीक है तो बनाते कैसे हैं तो ध्यान से सुनिएगा देखो कुछ नहीं करना है आपने यहाँ पे क्या है अगर हम लोग दो टाइप के कॉन्फ्रिगेशन की बताओ दो टाइप की कॉन्फ्रिगेशन की नहीं दो टाइप के फील्ड की बात कर करें तो हमने एक सेंटर पे बॉर्डर लाइन खींचनी होती है जो कि दो टाइप के कंडीशन को सेपरेट आउट करता है जैसे इतना समझ लीजिए ओके तो अब हमने क्या किया तो देखो मैं इसको पहले इरेज करा देती हूँ सबसे पहले आपको क्या करना होता है आप एक साइड वीक फील्ड लेते हैं एक साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लेते हैं यानी कि हमारा लेफ्ट साइड है वीक फील्ड और राइट साइड है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड ओके तो सबसे पहले मैंने अपना क्या लिया आपका सॉरी लेफ्ट साइड हमारा वीक फील्ड है राइट साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड पे क्या लिखा अपना वीक फीड का जो मेरा वीक फीड के लिए मेरा क्या था वीक फीड के लिए मेरा जो ग्राउंड स्टेट टर्म था सिक्स मैंने उसको यहाँ पे पुट किया वीक फीड के लिए सिक्स को मैंने यहाँ पे पुट किया और आपको पता है ग्राउंड स्टेट टर्म को हमने कहा लेना होता है एज अ कॉन्स्टेंट लेना होता है तो बेस पे मैंने यहाँ कॉन्स्टेंट लिया ये आपका क्या है आपको पता है डेल्टा अपॉन बी और ये है आपका ई अपॉन बी ओके तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो तो हम इसको इसको इरेज इरेज कर कर देते हैं हैं ये तो आपको पहले से पता है इसको कर है ठीक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वरना ये तो हमने जिस इतना लिख दिया ठीक है तो देखो वीक फील्ड का हमने लेफ्ट हैंड साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड का राइट हैंड साइड तो वीक फील्ड को मैंने यहां पर लिखा सिक्स एस और स्ट्रॉन्ग फील्ड को मैंने कहा लिखा है अभी जैसे आप वो मत देखो आप जिस देखो वीक फील्ड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर पुट किया ओके

बट अगर आपने इसको स्प्लिट किया तो ये कुछ ऐसे स्प्लिट हुआ ऊपर को किया और ये बन गया सिक्स एवन जी तो ये स्काई ब्लू वाली जो इंक से आप लाइन देख रहे हैं ये जो बॉर्डर देख रहा है ये, ये किसकी किस लाइन हमें दिखा रहा है ये ये हमें दिखा रहा है, वीक की दिखा रहा रहा है ये थे थे है है वीक वीक फीड फीड की का ग्राउंड स्टेट उसकी हमें ये लाइन ड्रॉ करवा रहा है इतनी चीज क्लियर आई तो आपको पता है वीक फीड तो आपका एक ही में स्प्लिट होना है एवन जी में और ग्राउंड अगर आपकी मल्टीप्लिसिटी सिक्स है तो आपका एवन जी बी क्या हो जाएगा सिक्स एवन जी तो हमने कुछ इसे ऐसे शो करा है ओके तो वीक

आपको समझ में आ रहा हम ये वाली एक्सेस पे इसी एक्सेस पे तो सारे टर्म्स रखते थे ऊपर भी हमारे जितने भी टर्म आ रहे थे देखो यहां पर हमारे दो टर्म आए फोर एफ कौन फोर पी तो हमने ऐसा तो नहीं किया यहां कहीं पुट कर दिया हमने उसको एक ही एक्सिस पे रखा यानी कि पे हमारी सारी चीजें किएंगी फोर है हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म कहीं की भी हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड की हो वीक फील्ड की हो वो आपकी कौन से पे y पे आएगी ये वाला आपका वाई एक्सेस हुआ तो दोनों टर्म आपके वाई एक्सिस पे आएंगी बट मतलब नोटिस करने वाली चीज ये है कि जो आपका वीक फील्ड है उसके लिए जो आपको लाइन देखने को मिलेंगी जो आपको ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलेंगे और स्ट्रॉंग फील्ड के लिए कहां देखने को 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 मिलेंगे राइट हैंड साइड 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 तो आपने पर लिखा 2i, और हमने 2i हमने ऐसे डॉट डॉट करके इस 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 पॉइंट से मिला दिया ताकि हम ये दिखा दिखा पाएं कि हमारा क्या इस हमने 2i को कुछ नहीं रिप्रेजेंट किया की, की जो स्प्लिटिंग कराएंगे कराएंगे वो इस तो आपको पता है, 2i कैसे करता है 2i की G, e G, G, T2 G, T2 G, okay? तो इतने सारे टर्म में स्प्लिट करता है साथ ही साथ हमारा आई कौन सा टर्म है आई के लिए हमारी मल्टीप्लिसिटी वैल्यू क्या है I के लिए मल्टीप्लिसिटी वैल्यू हमारी टू तो ये सारे के सारे टर्म हमारे कितनी मल्टीप्लिसिटी के होंगे टू मल्टीप्लिसिटी के होंगे तो सबके आगे आपने टू पुट करना है यानी कि सिक्स टर्म है तो देखो सिक्स टर्म को आपने यहाँ कैसे अरेंज किया तो देखो आपका ये 2i था या 2i कुछ ऐसे स्प्लिट करा तो सबसे पहले इसका क्या हुआ 2i कुछ ऐसे गया सामने कौन सा जो आपका ग्राउंड इस, मतलब इसका आपके पास 6 टर्म आया ना 1 देखो ये आपका 1 है ये 2 है 3 हो 5 हो फिफ, फिफ्थ हो और 6 हो ठीक है तो ये हमारे 6 टर्म हमको यहाँ पर मिले और 6 टर्म को हमने कैसे अरेंज किया 2i का जो पहला टर्म था वो है आपका 2 टी टू जी आई ओके ये आपका आई टर्म है इसलिए इसके बीच में आई लिखा हुआ है मैंने तो ये जब समझो इतना देखो ठीक है तो ये किसमें टूटा आई हमारा टूटता है टी टू जी में ए टू जी में टी वन जी में ई e जी में टी टू जी में और ए आई जी में ओके okay? तो हमने क्या किया इन सब के आगे मल्टीप्लीसिटी टू लगाई और इनको ऐसे स्प्लिट कर दिया एक हमारा यहाँ स्प्लिट कर दिया बाकी हमारे ऊपर को को रिप्रेजेंट हो रहा है ओके okay? तो आपने पर अपनी पहले स्प्लिटिंग 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 दिखाई आपको समझ में में आई हमने कुछ नहीं किया हमने ग्राउंड स्टेट टर्म लिखे चाहे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड के हो चाहे वीक फील्ड के हो हमने यहाँ पर लिखा फोर सिक्स एस आपका नीचे आएगा क्योंकि इसके लिए एनर्जी की वैल्यूज कम होती है और इसके लिए ज्यादा होती है आपको पता है ना एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो वही चीज है आपने क्या है टू आई ऊपर रखा 6 को नीचे रखा फिर आपने क्या किया 6s को स्प्लिट किया एक में स्प्लिट होता है किस में a2g में अगर मल्टीप्लीसिटी 6 है तो इसके ऊपर भी मल्टीप्लीसिटी भी 6 तो हमने इस काइब्लू लाइन से ये चोक किया ओके अब हमारा 2i कैसे स्प्लिट किया 2i स्प्लिट करता है 6 पार्ट में तो 6 टर्म में ये स्प्लिट कर दिया कौन-कौन सी t2g a2g t1g eg t2g e1g A1G, और a1g ओके और सबकी मल्टीप्लीसिटी आपकी 2 है ओके तो ऐसे स्प्लिटिंग हुई अब आपने क्या है इनको कंबाइन कराना है कंबाइन कैसे कराना देखिए आप क्या कराएंगे जस्ट ये जो आपका ए, ये है ना ये वाला जो लेवल है ये किस में स्प्लिट हुआ है इन सारे लेवल्स पे स्प्लिट हुआ है तो आप इसको कुछ ऐसे दिखाएंगे कि आपने इसको कुछ ऐसे स्प्लिट कराया ये यहाँ गया ये बॉर्डर लाइन है आपने किसको यहाँ को रिलेट कराया इसको आपने मतलब ये वाला तो स्प्लिट हुआ है ना इतने पार्ट पे तो आपने इनकी स्प्लिटिंग दिखाई तो इन सबकी स्प्लिटिंग भी दिखाएंगे कि ये जो आपका टू आई है ये कितने कितने सेट में टूटा इन सारे सेट में टूटा तो देखो इनको आपने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि ये इन सारे सेट में टूट गया ओके ये हो गया तो बस आपने तोड़ना ही तो था स्प्लिटिंग तो दिखा नहीं। थी अब आप ट्रांजिशन दिखाएंगे आपको समझ में आया हमने क्या किया एक बार रिवीजन लेते हुए चलते हैं देखिए कंफ्यूज मत होइएगा हमने हमारे दोनों के लिए वीक फील्ड और फील्ड के, के केस में क्या निकाली ग्राउंड स्टेट टर्म निकाली और ग्राउंड स्टेट टर्म को हमने हमारी वाई पे तो पुट कर दिया ओके तो अगर हम लोग क्या है वीक फील्ड की बात करते हैं तो वीक फील्ड में हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म आई सिक्स और स्ट्रॉ फील्ड के केस में आई टू आई ओके तो सिक्स से स्प्लिट करता है एक पार्ट में तो हाँ ये किस में स्प्लिट करता है एवन जी तो हमने यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग दिखा दी जी. और हमारा टू आई स्प्लिट करता है पार्ट पार्ट में तो को हमने पर दिखाया और ये सब किससे स्प्लिट हुआ है से तो हम इनको कोरिलेट कराएंगे कि ये सब के टू आई से स्प्लिट हुआ है बस आपने स्प्लिटिंग ही तो शो करनी है बस इतना किया ऊपर भी आप इतने ही काम करते थे अब आपने क्या दिखाता है ट्रांजिशन की कौन से ट्रांजिशन आपके अलाउड है कौन से ट्रांजिशन आपके फॉरबिडन है ओके okay? तो कौन कौन से अलाउड है तो अब आप क्या यहाँ हाँ साइड देखेंगे यानी कि अगर मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं ये सारे जो ट्रांजिशन है वो किसके हैं? टू आई की और ये वाला ट्रांजिशन किसका है सिक्स एस का है तो हमारा वो ही ट्रांजिशन अलाउड होते जिसमें मल्टीप्लिसिटी सेम हो तो ये वाली जो लाइन है ये ये किसकी है 6S की है है की यानी कि यहां पर इस लाइन के के लिए multiplicity है 6, लेकिन ये सारे lines के लिए लेकिन सारे आपकी ओके okay? तो यहां पे तो पे आपका ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिक्स से टू में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ साइड आपका एक भी ट्रांजिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में ओके लेकिन राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगा कहाँ तो देखो ग्राउंड स्टेट टर्म है आपका टी टू जी एक्साइटेड स्टेट टर्म है आपका सिक्स ए वन जी एक है आपका टू ए टू जी एक है टू ई जी एक है टू टी टू जी एक टू ए जी ओके तो देखो ये आपका ग्राउंड स्टेट है और ये आपका एक्साइटेड स्टेट है तो बताइए क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल है बात है नहीं है है बात नहीं क्यों क्योंकि यहां जो आपकी ग्राउंड स्टेट की multiplicity है, वो है टू और एक्साइटेड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी है सिक्स ओके okay? तो यहां पर मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है तो ये ट्रांजिशन आपका पॉसिबल नहीं है तो आप इस ट्रांजिशन को हटा दीजिए अब आप क्या करेंगे अब आप दूसरा ट्रांजिशन दिखाएंगे कौन सा आपका टी टू जी से ए टू जी में तो देखो ये वाला ट्रांजिशन आपका अलाउड होगा कैसे अलाउड होगा क्योंकि यहां जो आपकी मल्टीप्लिसिटी है वो है टू और यहाँ जो मल्टीप्लिसिटी है वो है आपकी अगेन टू यानी कि यहां पर को डेल्टा एस की वैल्यू आपकी जीरो आई तो ये जो ट्रांजिशन है ये आपका अलाउड ट्रांजिशन है इसको हम कंसिडर करेंगे ओके okay? दूसरा ये वाला ट्रांजिशन भी हमारा अलाउड रहेगा क्यों क्योंकि ये हमारा स्टार्ट हुआ था टू वाली मल्टीप्लिसिटी से और फिनिश भी हो रहा है हमारी टू वाली मल्टीप्लिस से यानी कि बिफोर ट्रांजिशन मल्टीप्लिसिटी टू एंड आफ्टर ट्रांजिशन मल्टीप्लिसिटी टू तो कोई भी मल्टीप्लिसिटी में चेंज नहीं आया देन डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो और ये ट्रांजिशन भी हमारा अलाउड ट्रांजिशन होगा ओके इसके नेक्स्ट वाला ट्रांजिशन ये है तो देखो क्या ये ट्रांजिशन अलाउड है बिल्कुल अलाउड है क्यों क्योंकि बिफोर ट्रांजिशन इट मल्टीप्लिसिटी टू एंड आफ्टर ट्रांजिशन अगेन टू ओके तो ये भी आपका अलाउड है और ये भी आपका अलाउड है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ भी आपका मल्टीप्लिसिटी टू और यहाँ भी आपकी मल्टीप्लिसिटी टू तो यहाँ पर आपको सिर्फ चार ट्रांजिशन ऐसे मिल रहे हैं जहां पर आपकी मल्टीप्लिसिटी सेम रह रही है इट मीन आपके चार ही ट्रांजिशन इस केस में आपके अलाउड है तो यहाँ पे जो आपको स्पेक्ट्रा कुछ देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा कि वन टू थ्री फोर फोर पीक्स आपको देखने को मिलेंगी किसके रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी वर्सेज वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में या फिर वेव नंबर के रिस्पेक्ट में इतनी चीज समझ समझवाए यही होता है आपका फाइनल कोरिलेशन डायग्राम ठीक है तो हमने क्या किया डी फाइव आपका अकेला था बेचारा इसके लिए हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों के रिस्पेक्ट में बात कर ली इतनी चीज क्लियर आई तो ये जैसे हमारा यहाँ पर को फिनिश होता है आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की टेनाबे सुगेनो डायग्राम के लिए हमने सारे कॉन्फ़िगरेशन को कवर किया है डी वन से डी नाइन तक तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आयोगा एटलीस्ट थोड़ी चीजें तो आप समझ में आई होंगी तो ये नोट्स वगैरह मैं आपको शेयर करा दूंगी तो अभी हम लेक्चर को फिनिश करेंगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे तब तक के लिए बाय बाय